मोनू तेरे भाई किधर है? मेरा भाई पबजी खेल रहा होगा। पबजी? हाँ पबजी, प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड, जिसमें 100 बंदों का लॉबी बनता है और हमको मैप में रैंडम। मेरे को मालूम पबजी क्या होता। तो फिर क्यों पूछ रहे हो? मैं बोल रहा हूँ कि पबजी अभी तो बैन है, अभी कैसे खेल रहे हैं? आपको नहीं पता पबजी अनबैन हो गया है? आपने वो वीडियो नहीं देखा? इधर देखा तो देखा, ये देखो मैं प्ले कर रहा हूँ। तो गाइस, एक महीना हो चुका है पबजी को बैन हुए, हमें कोई साइन नहीं दिख रहा है कि पबजी अनबैन होगा भी या नहीं। हम सबके दिलों पे ठेस पहुंची है, हम सब इस दुविधा में एक साथ हैं। और मैं आपका भाई आज आपके लिए एक बहुत बढ़िया न्यूज़ लाया हूँ। मुझे पता है कि आपको ये न्यूज़ सुनने के बाद कितनी खुशी मिलने वाली है। तो अभी कुछ देर पहले एक बहुत बड़े यूट्यूबर और एक बहुत बड़े वेबसाइट से हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि पबजी अनबैन हो जाए इंडिया में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हर रोज आपको अपडेटेड रखना चाहता हूँ हर एक अनबैन न्यूज़ के साथ। तो न्यूज़ सुनाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे होने वाला है, आप उससे बहुत ज़्यादा शौक हो जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो आप एक कुछ सख्त चीज़ को पकड़ लीजिए, और सख्त चीज़ से मेरा मतलब अपने दिमाग को। तो अगर तुम इंडियन हो तभी ये वीडियो देख रहे हो, और इंडिया में सबसे ज़्यादा झूठ तेज़ी से फैलता है। तो इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ कोई चीज़ या कोई इंसान जब रहता है तब उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती जितनी उसके चले जाने के बाद मिलती है। वो अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन मिलती है, चाहे वो सुशांत सर के डेथ का केस हो या फिर पबजी बैन का केस हो, हर जगह तुमको गलत खबर ही मिलेगी। बिल्कुल वैसे ही जितने दिन पबजी इंडिया में था उतने दिन वीडियो तो आ ही रहे थे, अब जब से पबजी इंडिया से चला गया है भाई डबल वीडियो आते हैं यूट्यूब पे। कभी भी चालू करो पबजी अनबैन हो रहा है, डेली अपडेट आ रहे हैं अनबैन के। भाई तुमको दे कौन रहा है अपडेट, मुझे भी तो मिलवाओ, मेरा भी यूट्यूब चैनल है भाई, मुझे भी सब्सक्राइबर्स चाहिए। ये पबजी अनबैन के चक्कर में मैंने एक हफ्ते में लोग 1000-1000 सब्सक्राइबर्स कमा ले जा रहे हैं, और वीडियो में क्या बोलते हैं, पबजी शायद जियो के साथ कोलैब करेगा। जितने भी लोग उस अनबैन पे वीडियो बनाते हैं ना, उनसे ज्यादा शुद्ध हिंदी कोई नहीं बोलता है। अब देखना कल कोई ना कोई आके बोल देगा कि पबजी पान पर के साथ संभोग कर रहा है, कोलैबोरेशन। अब एक महीना बीत चुका है, 4 हफ्ते। अब इंडिया एक ऐसा भी देश है जहां हर 2 दिन में पबजी बैन होता है और हर 2 दिन में पबजी अनबैन होता है। हर हफ्ते तुमको नया न्यूज मिलेगा। पहला हफ्ता पबजी टेंसेंट के साथ डील तोड़ रहा है। हाँ वो गेम तो है ही नहीं, मजाक है, वो सिर्फ इंडियंस के लिए ही तो बना है। ऐसे ऐसे तोड़ देंगे भाई टेंसेंट के साथ डील। दूसरा हफ्ता या तो पबजी वाले टेंसेंट को चाइना से बाहर निकाल के सिंगापुर लेके जाएंगे, या फिर इंडिया के किसी अच्छे कंपनी के साथ रिश्ते जोड़ेंगे। तीसरा हफ्ता पबजी जियो के साथ कोलैब कर रहा है, खैर संभाली। लोगों ने इस बात पे विश्वास कर भी लिया, आईपीएल में हर जर्सी में अगर जियो का नाम हो सकता है तो पबजी के साथ क्यों नहीं। अब जियो एक ऐसा कंपनी है जो देश को सुधार भी रहा है और बिगाड़ भी रहा है। वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय बाद कॉल करें। ये सफर प्यार का होता है, बड़ा है। नेट बंद कराओ यार इनका। अब लोगों ने देखा कि जियो तो भाव ही नहीं दे रहा है। चौथा हफ्ता पबजी एयरटेल के साथ कोलैब कर रहा है। अब रुको, जैसे जैसे टाइम आएगा पबजी सबके साथ कोलैब करेगा। पबजी एक्स बजाज, पबजी एक्स असली मसाले सच सच MDH, पबजी भंगर सीमेंट, पबजी विमल, पबजी पतंजलि। पतंजलि ये सही आइडिया है। एक बात कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं तुम लोग यूट्यूबर नहीं हो, तो अपने कान बंद कर लो। सुनो, जितने भी तुमको अगर वीडियो बनाना है ना कि नेक्स्ट मतलब पबजी किसके साथ कोलैब करने वाला है, तो मैं तुमको बता रहा हूँ, पबजी एक्स पतंजलि डाल देना, जो जो पॉइंट्स मैं इसके बाद कहने वाला हूँ वो डाल देना, और मैं वीडियो के एंड में एक गेम प्ले वीडियो खुद एडिट करके डालूंगा पतंजलि के साथ, वो भी डाल देना, लोग भरोसा कर लेंगे। तुमको एक हफ्ते तक पैसा अनलिमिटेड मिलने वाला है, ठीक है। तो पतंजलि एक ऐसा कंपनी है जो कि तुमको अंदर से और बाहर से हर जगह से हाइजीनिक रखता है। तो अब तुम सोचोगे कि पबजी पतंजलि के साथ क्यों कोलैब करे। शायद तुम भूल गए हो कि रामदेव बाबा ने ही अभी कुछ दिन पहले कोरोना का वैक्सीन निकालने का ऐलान किया था।
तो क्या पता पतंजलि खुद की ब्रांचेस को एक्सटेंड कर रहा है। कल से तुमको प्ले स्टोर में ये भी देखने मिल सकता है पतंजलि गेम्स। गाय का दूध कैसे निकाले उस पर बेस्ड एक सिमुलेशन गेम निकल जाएगा। पतंजलि की वजह से इंडिया में इंडियन ब्रांड ज्यादा चल रहे हैं। पतंजलि का मैगी, पतंजलि का शैम्पू, पतंजलि का दंत मंजन। तो जैसे कि तुम्हें पता है पबजी मैन होने के बाद इंडिया का ईस्पोर्ट बहुत ज़्यादा डूब चुका है। लोग डिप्रेशन में हैं, कितने सारे प्लेयर्स का सपना चला गया, कितने सारे अपॉर्चुनिटीज मिस हो गए। तो ये रामदेव बाबा देख नहीं सकते, योग गुरु होने के नाते उनको पता है कि डिप्रेशन कितनी ख़राब चीज़ होती है। तो वो डिप्रेशन को भगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडियन युवकों के लिए पबजी के साथ कोलैब करेंगे। अब पबजी एक्स पतंजलि जब आ ही रहा है, मैंने सोचा कि क्यों ना लोगो, लॉबी और गेम प्ले मैं खुद से थोड़ा बहुत एडिट करके आप लोगों को दिखाऊं। अब देखो मेरे पास पीसी नहीं है, अब कुछ ही टाइम पहले मेरे लैपटॉप की मम्मी मर गई, मदरबोर्ड ख़राब हो चुका है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो जितना एडिट होगा मैं फ़ोन पे ही करूँगा, और मैं नहीं कह रहा हूँ कि बेस्ट एडिट होगा, हो सकता है कुछ ना कुछ तो बनेगा। और वीडियो देखने से पहले तुमको बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं उनमें से बस इतने ही अमाउंट के लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, और बाकी के जितने लोग हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब तुम करोगे तो वो फ्री है, मतलब तुमको कोई चार्ज नहीं लग रहा है। और अगर तुमको बाद में फील होता है कि ये बंदा फालतू वीडियोस बनाता है, अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है? तो वीडियो की तरफ बढ़ते, ठीक है? फटाफट उठा ले सटा सर जितना भी बंदूक मिले भर ले खचाखच कोई अचानक से प्रकट तेरे सामने तो हाथ में ना कुछ भर दे मुझ के घबरा मत तू जामत अकेले दोस्तों का साथ ले भी खेले सीना तान के लगे लाशों के सेले अब लगा ले स्कोप लगा ले होप सुन नसीब से अजीब से लगा है शॉट कोई करीब से बरसते अजीब से फरिश्ते खड़े पे फायर कर होते हैं बॉस कोई लड़की के रूप में लगे तुझे हॉट लड़की आ भी तेज है मारे तेरी बहुत दबा दे तू हेल्थ ढूंढ ले कोई शेल्फ कोई रिवाइव करे तो मी माई सेल्फ अब छली कर दूंगा खाली कर दूंगा लो अंदर तेरे पूरा भर दूंगा मैं करूंगा ऐसा काम कर दूंगा हलक जाम चढ़ लिया तुझे तेरा होगा अब काम तमाम तड़पेगा लंगड़ेगा भड़केगा मुझ पे अब बॉम्ब नहीं ढूंढ ले चंडू बाम विरासत